तिहरीकी तालिबान के सरबरा बुल्ला फज़दुल्ला असल में कौन था और उन्होंने इतनी ताकत कैसे हासिल की आर्मी को पूरे मालिकान डिवीज़न में ऑपरेशन क्यों करना पड़ा और इस ऑपरेशन के हवाले से कुछ गलतफहमियाँ जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे मैं खुद जिला मालाकंड का रिहायशी हूँ हमारे इलाके में भी आर्मी ने ऑपरेशन किए इसलिए मैंने जो कुछ देखा और समझा उन सब को मैं अपनी ज़ुबानी आप सब को भी समझाना चाहता हूँ कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था और आर्मी को यहाँ पर ऑपरेशन क्यों करना पड़ा मुल्ला फजल्ला स्वाद के एक छोटे से गांव इमाम डेरे में इमाम था यह तेरी की नफाज शरीत मोहम्मदी के सरबराह सोफी मोहम्मद के दामाद थे सूफी मोहम्मद ने जब जमात इस्लामी को छोड़ा तो उन्होंने उन्नीस सौ बहानवे में, में तहरीकी नफाज शरीत मोहम्मदी तंजीम की बुनियाद डाली जिसका मकसद मुल्क में शरीयत का नफाज था पहले तो सूफी मोहम्मद सिर्फ तबलीग की हद तक महदूद था लेकिन जब इस तहरीक के पैरोकार ज़्यादा हो गए और उनको शहरत मिली तो उन्होंने बंदूक के जोर से शरीय नाफज करने के लिए बालाकंड डिवीजन में मुसलह ग्रोह के जरिए कंट्रोल हासिल कर लिया ये उन्नीस सौ चौरानवे का वाक्य है जिसको बाद में रियासी पाकिस्तान ने वापस चुड़ा लिए इस वाक्य पर देखो सुनो जानो चैनल ने तफसील से एक वीडियो बनाई है इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने चढ़ाई कर दी तो सोफी मोहम्मद ने बहुत से लोगों को अफगानिस्तान जिहाद के लिए भेज दिया और वो भी रियासत के इजाज़त के बगैर छोटी उम्र के बहुत से लड़कों को भी उन्होंने वालदेन से इजाजत लिए बगैर जिहाद के लिए अफगानिस्तान भेज दिया जो कि शरीयत और मुल्क के कानून दोनों के खिलाफ है क्योंकि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का सरबरा कर सकता है कोई भी शख्स उठकर जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता और ना ही जिहाद में हिस्सा ले सकता है जब तक रियासत के सरबरा ऐलान ना करे तो इसीलिए लिए मुशर्रफ ने 2002 हजार दो में तेहरी की नफाज शरीत मोहम्मदी तनजीम पर पाबंदी लगा दी और सूफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया पाबंदी तो लग गई लेकिन लोग फिर भी इस तंजीम से जुड़े रहे जिसकी वजह से सूफी मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद फजल्ला को सरबरा बना दिया गया मुल्ला फजल्ला भी कई सालों तक सिर्फ दरस व तदरीस करते रहे और मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते थे वो अमरीका और मगरबी ममालिक सख्त खिलाफ थे और अफगान तालिबान की हिमायत करते थे दीन के मामले में नायात ही सहगीर थे उनको रफ्तार रफ्तार शहरत मिलने लगी लोग उनके बात मानने लगे और उन पर अमल भी करते थे उनकी शोरत उनके गाँव से निकल कर बाकी इलाकों में भी फैलने लगी जब दो हज़ार पाँच में जलजिला आया तो उसमें बहुत सी अमवात हुई और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने ये ज़लजला अल्लाह ताला की तरफ से अजाब बताया और कहा कि चूंकि लोग दिन से दूर हो गए और गुनाहगार बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है तो उन दिनों उनकी शहरत को चार चांद लग गए और लोग दड़ाधड़ उनकी तंजीम में शामिल होने लगे जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी मकबूलियत बढ़ रही है तो उन्होंने अपना रेडियो चैनल खोला और उस पर अपनी वाजो नसीहत शुरू की इसीलिए उनको रेडियो मुला के नाम से भी पुकारा जाता है उन्होंने सबसे पहले सी डी टी वी और कंप्यूटर को गुनाहों का आला करार दिया और सब लोगों को उनके तोड़ने का हुक्म दिया बहुत से लोगों ने अपनी टी वी म्यूज़िक प्लेस तोड़ दिए इसके बाद सीडी और टीवी की दुकान में भी लोग जाकर टीवी और सीडी डी प्लेयर्स तोड़ने लगे हजामों को भी लोगों को दाढ़ी बनाने से रोक दिया गया पोलियो के खिलाफ भी सख्त बयान दिए गए लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोक दिया गया औरतों के वोट डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई रेडियो पर बाकायदा लोगों के नाम पुकार कर कहा जाता था कि फला शख्स इस गुना का मरतकब हुआ है इसलिए उनको ये ये सज़ा सुनाई जाती है याद रहे कि एक मुसलमान रियासत जिसका सरबरा मुसलमान हो सिर्फ वही लोगों को सजा दे सकता है या उसके बनाए हुए इदारे लोगों को सज़ा दे सकते हैं और लोगों के तनाज़ात का फैसला कर सकते हैं एक आम शख्स जो इन इदारों याकूमत से ताल्लुक़ नहीं रखता तो वो किसी को भी सज़ा देने का हक़ नहीं रखता ये चीज़ शरीत के भी खिलाफ़ है शरीयत में सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि आप एक मुसलमान हुक्मरान के सामने कहे या उनसे मुतालबा करें कि वो शरीयत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिस करें लेकिन वो किसी को खुद सजा नहीं दे सकता इस्लाम कहता है कि एक इस्लामी मुल्क का सरबरा जो कानून बनाता है तो उस पर अमल करना चाहिए लेकिन अगर कोई कानून शरीयत के खिलाफ हो तो आप सिर्फ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और सरबरा से शरी क़ानून नाफिज करने का मुतालबा कर सकते हैं लेकिन शरीयत आपको कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता लेकिन यहाँ पर मुलाफल्ला इन सारी शरी अहकाम को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी मर्जी की इस्लामी अहकाम पर अमल कर रहा था और वो था बज़ोर बाजू शरीत का नफाज जो कि उनका इख्तियार नहीं था और ना ही उनके पास कोई शरीय जवाब था हमारे लोग दीन के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन मसला यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग दीन को नहीं समझते क्योंकि उनके पास इस्लाम के बारे में ज़्यादा इलम नहीं होता इसलिए जो लोग दीन के बारे में थोड़ा तो� बहुत इलम रखते हैं और उनको बातें करना आती है तो यही लोग उसके पीछे चलने लगते हैं और फिर वो इस शख्स पर मुंसर है कि वो अपने पैरोकों को जिधर भी लेकर जाना चाहे वो उनके पीछे चलने लगते हैं जिन लोगों के पास किसी भी चीज़ के बारे में इलम कम हो तो उनको इस बारे में गुमराह करना बहुत आसान होता है और ऐसे लोग अक्सर गुमराही का शिकार होकर ग़लत हाथों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर खुद को बहुत से मसाइल का शिकार कर लेता है दो हजार सात तक ये तंजीम गैर मुसल थी और उनकी शोहरत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी लोग भी फजल्ला को पसंद करते थे और उनकी बातें मानने लगे थे फजल्ला जो भी कहता लोग उस पर मन के अमल करते थे लेकिन दो हजार सात में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद में एक अफसोसनाक वाक़ हुआ जिसकी वजह से उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान किया इस्लामाबाद के अंदर भी लाल मस्जिद वाले यही कुछ कर रहे थे जो मुला फजल्ला कर रहा था कानून अपने हाथ में लेकर लोगों को सजाए दे रहे थे जिस वहा तो इस, इस वाक के बारे में लोगों के जहनों में बहुत सारी गलत फहमिया मौजूद है क्यूँकी उनको इस सारे मामले के बारे में ज्यादा नहीं पता की असल में यह ऑपरेशन क्यूँ और किन वजुहत आरोप किया गया उनको सिर्फ यही पता था की रियासत ने वहाँ पर आपरेशन किया जिसकी वजह से इस ऑपरेशन के बारे में ऐसा तासुर किया जैसे रियासत दीनी मदारस के खिलाफ है लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है तकरीबन सारे मुल्क के मजहबी लोगों को यही तासुर किया जिसका शिकार मुला फज़दुल्ला और हमारे इलाकों के लोग भी बने जिसकी वजह से मुला फज़दुल्ला और हमारे लोग सोचने लगे शायद दीनी मदारस और मजहबी लोगों के खिलाफ है अफगान जंग में अमरीका की मदद करने पर वैसी मजहबी हलका मुशरफ को कुछ खास पसंद नहीं करता था इसी वजह से शिद्दत पसंद मजहबी लोगों ने मुशर्रफ को मुरत करार दे दिया और मुशर्र के खिलाफ जहाद को फर्ज करार दे दिया गया जिसकी वजह से जुल्ला ने तेरी की तालिबान जो कि एक मुसल्ले और पुरतशद तनजीम थी उनके साथ इतहाद कर लिया फजल्ला ने अप लो लोगों को भी मुसल्ह किया और वजीरिस्तान से भी लोग स्वाद चले गए इस मकसद के लिए मुला फजल्ला ने अपने इलाके के लोगों से चंदा देने की भी अपील की तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया औरतों ने अपने ज्यवरत उनकी नजर कर दिए लोगों के पास घर में जो कुछ भी था वो उन्होंने मुला फजल्ला के कदमों में डेर कर दिया दो हजार सात में मुला फजल्ला के पास तकरीबन पांच हजार मुसलह लोग थे जो अस्थ अस्थ स्वात के अंदर फैल गए और तकरीबन 59 गांव का कंट्रोल हासिल कर लिया ये बाकायदा मिलिट्री की तरह गश्त करते थे और लोगों को सज़ाए भी देते थे उन्होंने अपने शरीयत कोर्ट्स भी बना ली थी जहां पर ये लोगों के फैसले करते थे पुलिस को वासी बगाया गया और कुछ को मार दिया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रियासत की नौकरी कर रहे थे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बेलैकॉन भी दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके